दिव्या, दिव्या हाँ, क्या कर रही हो? वो LIC के IPO के लिए डीमैट अकाउंट बना रही हूँ। तुमने LIC के IPO की सारी जानकारी ले ली? अरे इसमें जानकारी क्या लेनी, गवर्नमेंट का IPO लेना ही है? तुम्हारा फेवरेट ब्रांड बताओ। चलो ज़ारा। तो ज़ारा के कपड़े खरीदने से पहले तुम कपड़े ट्राई करती हो, तुमने सारी जानकारी ली हुई है, ज़ारा कैसा ब्रांड है, क्या सेल निकली है, तो LIC के IPO के बारे में जान तो लो सब कुछ। पर ये सारी जानकारी मिलेगी कहाँ? अरे यार मैंने वीडियो बनाया है YouTube पे हिंदी, जो हमारा ये IndianMoney.com का हिंदी YouTube चैनल है ना, उस पे पूरा वीडियो है कि क्या आपको जानना चाहिए LIC IPO खरीदने से पहले। फटाफट देख लो और जब देख के हो जाए तो चाय पीने आ जाना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू इंडियन मनीज हिंदी YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं LIC IPO के बारे में। अगर आप LIC के IPO में पैसा लगाना चाहते हैं तो ये जरूरी बातें जरूर जान लें। भाई LIC का IPO जब से अनाउंस हुआ है, हर जगह, जी हाँ, हर गांव में, हर शहर में, पूरे जहान में जैसे LIC IPO के ही बारे में बात की जा रही है। हर कोई LIC का IPO खरीदना चाहता है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो LIC का IPO सिर्फ इसीलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि दूसरे लोग भी खरीदने वाले हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो LIC के IPO में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो LIC का IPO है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो LIP के IPO में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि भाई पहली बार LIC जो है वो IPO निकाल रहा है। आई एम श्योर आपने भी अक्सर अपने टेलीविजन पे LIC की एड बहुत बारी देखी होगी कि LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी LIC की पॉलिसी खरीदने के लिए कितने सारे लोग जो हैं आपसे कहते होंगे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की ये जीवन बीमा पॉलिसी खरीद लो, ये लाइफ के लिए बड़ी अच्छी है। तो LIC पहले से ही मशहूर तो है ही, बहुत रिलायबल भी है, लोग इस पे ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो LIC के IPO में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आज आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे क्योंकि किसी भी IPO में इन्वेस्ट करने से पहले उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी हमें जरूर लेनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली जरूरी बात की तरफ। IPO के बाद भी LIC पर सरकार का मालिकाना हक बना रहेगा। कानून के मुताबिक LIC में सरकार की हिस्सेदारी 91% से कम नहीं हो सकती। इसके अलावा 5 साल के दौरान सरकार LIC में अपनी 25% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं बेच सकती। क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि LIC का 82% यानी कि 62% का रिटर्न ऑन इक्विटी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बीमा कंपनियों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। लोग जो हैं वो बेसब्री से LIC के IPO का इंतजार कर रहे थे और पता नहीं कब तक करते रहेंगे, क्योंकि कहा तो ये गया था कि LIC का IPO जो है वो मार्च में आएगा, किसी ने कहा कि मार्च के पहले हफ्ते में ही आ जाएगा, लेकिन ये तो अभी जानना बाकी है कि कब एक्चुअली में आएगा LIC का IPO। सरकार ने इसके लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर दिए हैं। LIC की पॉलिसी रखने वाले लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है, तो ध्यान से सुनिएगा। जितने भी ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी LIC की पॉलिसी है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास ऑलरेडी LIC की पॉलिसी है तो आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि आपको शायद LIC का IPO मिल सकता है, क्योंकि उम्मीद ये है कि इस IPO का 10% हिस्सा यानी कि 10% जो है वो रिजर्व होगा उन लोगों के लिए जिनके पास LIC की पॉलिसी है। तो LIC की पॉलिसी लेने के बड़े सारे फायदे तो होते ही हैं, लेकिन एक बड़ा फायदा ये भी है यानी कि LIC पॉलिसी होल्डर्स को शेयर्स मिलने की संभावना जो है वो बढ़ गई है। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर आपके पास ऑलरेडी LIC की एक पॉलिसी है तो आपको प्रति शेयर की कीमत में कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है। तो क्या ये कहना सही होगा कि LIC का IPO खरीदने की अगर आप सोच रहे हैं लेकिन आपके पास अगर अभी तक LIC की पॉलिसी नहीं है तो क्यों ना आप LIC की पॉलिसी भी खरीद लें और साथ साथ ये सारे फायदे भी जो हैं आप उठा लें। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया, इन सब के बावजूद भी LIC पर सरकार का मालिकाना हक जो है वो बना रहेगा। अभी LIC का मालिकाना हक सरकार के पास ही है। ये देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। सरकार इस कंपनी में हिस्सेदारी बेचकर करीब 90,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। दैट इज अ बिग नंबर। अब आप खुद ही सोचिए कि सरकार को भी फायदा होगा अगर सरकार LIC का IPO निकालती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फायदा होगा। अब देखिए, इससे सरकार को ये जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, यानी कि इस चालू वित्त वर्ष के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को हासिल करने में मदद मिलेगी। अब आप खुद सोचिए, अगर 90,000 करोड़ रुपए आएंगे तो मदद तो मिलेगी ही। IPO के बाद भी LIC पर सरकार का मालिकाना हक बना रहेगा। ये पॉइंट मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये एक अहम पॉइंट है। जी हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है जो भी लोग LIC का IPO खरीदने वाले हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि भाई 51% जो है वो सरकार का ही हक रहेगा। 5 साल के दौरान सरकार LIC में अपनी 25% से ज्यादा हिस्सेदारी बेच भी नहीं सकती। तो ये काफी अच्छे डिसीजन लिए हैं गवर्नमेंट ने। अच्छा, LIC के IPO में सबसे ज्यादा है बाजार हिस्सेदारी। LIC की बाजार हिस्सेदारी 64.1% है। ये तो आप जानते ही हैं कि LIC जो है वो देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, और यहां तक कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के मामले में LIC जो है वो दुनिया की 3रे नंबर पर सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। तो अगर हम बाजार के हिस्सेदारी की बात करें तो दुनिया में ऐसी कोई और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी नहीं है जिसकी बाजार हिस्सेदारी 64% है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, रिटर्न ऑन इक्विटी दुनिया में सबसे अधिक जो है वो क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक LIC का है, विच इज 82%, यानी कि 82% का रिटर्न ऑन इक्विटी दुनिया की दूसरी बड़ी बीमा कंपनियों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ये जो LIC का है, चीन की बीमा कंपनी पिंग का रिटर्न ऑन इक्विटी है 19.5%, जबकि अवीवा का है 14.8%। चाइना लाइफ इंश्योरेंस का रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.9%। न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ शानदार वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में LIC का टैक्स बाद प्रॉफिट था 1,437 करोड़ रुपए। एक साल पहले की समान अवधि में उसका प्रॉफिट 6.14 करोड़ रुपीस था। इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में LIC के न्यू बिजनेस प्रीमियम का ग्रोथ रेट हो गया है 554.1%, यानी कि टोटल एसेट के मामले में 522 अरब डॉलर के साथ ये दुनिया की छठी सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। LIC इस IPO के बाद देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी होगी। लंदन की ब्रांड फाइनेंस के मुताबिक इस साल LIC की मार्केट वैल्यू 43 लाख करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान है। अगले 5 सालों में यानी 2027 तक इसके बढ़कर 58.9 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच जाने की उम्मीद है। इस तरह से ये अगले कई साल तक देश की सबसे बड़ी कंपनी बनी रह सकती है। अभी देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जिसकी वैल्यूएशन है 16 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा, और TCS है इस मामले में दूसरे पायदान पर, जिसकी वैल्यूएशन है 14 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, LIC का IPO होने के बाद ये सबसे बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि LIC IPO के बाद मजबूत हो जाएगी मोदी सरकार की छवि? जी हां, लेकिन निवेशकों के मन में काफी सारे सवाल हमेशा रहते हैं, और इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। देश के प्रमुख अखबारों में पहले पन्ने पर लगातार LIC के IPO को लेकर विज्ञापन आते ही रहे, ताकि इसके 25 करोड़ से अधिक पॉलिसी धारक जो हैं वो LIC की हिस्सेदारी खरीद सकें। LIC के पास करीब 50,000 करोड़ डॉलर यानी 37.2 लाख करोड़ रुपीस के एसेट्स हैं, और इसकी वैल्यू करीब 20,300 करोड़ डॉलर है, मतलब 15.12 लाख करोड़ रुपए। खुद ही सोचिए आप, कितनी बड़ी चीज है ये। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता दूं, देश के सबसे बड़े लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC का IPO लाने की तैयारी तो हो रही है। इसे लेकर लगातार देश में प्रमुख अखबारों में भी छप रहा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा तो पॉलिसी धारकों को ही होने वाला है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक LIC का IPO एक तरह से भारत के लिए अरामको मोमेंट साबित हो सकता है। अरामको दिग्गज गल्फ तेल कंपनी है, जिसकी $2,940 करोड़ यानी कि 2.19 लाख करोड़ रुपए की लिस्टिंग दुनिया में सबसे बड़ी है। LIC के IPO का प्रोस्पेक्ट्स 31 जन से शुरू होने वाले इस महीने की आखिरी हफ्ते के बाजार नियामक सेबी के पास दाखिल हो सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिस्टिंग के लिए मार्च तक की डेडलाइन सेट की है। LIC की 2000 से अधिक शाखाएं और 1 लाख से अधिक एम्प्लॉई हैं और LIC का जो IPO है वो बदल सकता है भारत की छवि दुनिया में। जी हाँ, आप खुद ही सोचिए कितना जरूरी है ये IPO। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी LIC IPO से जुड़ी हुई। ये सारी जानकारी बहुत आवश्यक थी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपकी कि आपने ये वीडियो जो है अंत तक देखा। अब आप अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अपने दिमाग में इस वीडियो से जुड़ी सारी बातों को कर लें बंद और मेरा नाम जरूर याद रखिएगा जो है सुगंध। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा, साइनिंग ऑफ।